नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा SQM एवं DQM के आवेदकों के लिए चयन संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है। तो जो SQM एवं DQM के पद के लिए आवेदन किए थे वे इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा SQM DQM के आवेदकों के चयन को लेकर यह जो सूचना जारी किया गया है, इसमें लिखा है, एकद द्वारा सूचित किया जाता है कि PN नंबर 11197 पंचायती राज विभाग सत्र 2022-23 के माध्यम से पंचायती राज विभाग में SQM DQM के चयन हेतु प्रकाशित सूचना के आलोक में SQM के पद पर 23 आवेदकों और DQM पद पर 37 आवेदकों द्वारा आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदकों में से योग्य आवेदकों का चयन पंचायती राज विभाग के सभाकक्ष भूतल पर दिनांक 30/12/2022 को पूर्वाहन 11 बजे से ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वांछित मूल दस्तावेज के साथ वर्णित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित रहने की कृपा किया जाए। 27/12/2022 को यह सूचना प्रकाशित किया गया है। तो जो आवेदक SQM और DQM पद के लिए आवेदन किए थे उनका इंतजार अब खत्म हुआ। 30/12/2022 यानी कि कल निर्धारित जगह पर अपना मूल प्रमाण पत्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन एवं इंटरव्यू में हिस्सा लें, और यहाँ से अगर आप पास करते हैं तो आपको पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। वीडियो के द्वारा आप सभी को सूचना देने का मूल उद्देश्य था कि 3 दिनों के अंदर हो सकता है किसी आवेदक को इसकी सूचना नहीं मिली हो, तो इस वीडियो के माध्यम से उस आवेदक को सूचना मिल जाएगी तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।